सबों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं विज्ञापन से संबंधित वीडियोज लेकर रेगुलरली आते रहता हूं। तो इसी प्रकार के यदि आप लाभकारी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, कुछ दिनों पहले यूपी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली के लिए फॉर्म भरा जा रहा था, जिसका कि डेट जो है वो बढ़ाया गया है। और ये जो डेट है बढ़ाया गया है 21 जून 2021 को एक बैठक हुई थी, उसमें बढ़ाया गया। तो 1 जुलाई 2021 से लेकर 8 जुलाई 2021 तक आपको, या तो आप पहले भर चुके हैं तो उसमें कुछ संशोधन करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर नए अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। तो जिससे इसमें कुछ कुछ निर्देश दिया हुआ है जिसको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि आप सबमिट करना चाह रहे थे, फीस जमा करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था और फेल हो जा रहा था, तो अब इसे आप कर सकते हैं। अच्छा, भरते समय क्या करना है, किसी भी तरह का कॉमा डॉट डैश का प्रयोग नहीं करना है। जिस कॉलम में जो मांगा गया है वही भरना है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो 10 अंकों का होगा, उसे सही सही भरना है। गलत भरने से आपका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं होगा। अच्छा, रिमार्क्स के कॉलम में बोला है कुछ भी नहीं भरने के लिए, तो रिमार्क्स का कॉलम जहाँ पे मिलेगा पेमेंट करते समय, वहाँ पे आप कुछ भी ना भरें। और यदि किसी तरह की समस्या आए तो अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप से जो है स्क्रीनशॉट लेके आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं सहायता के लिए। admin@uphesc2021.co.in पर। उसके बाद जो नए अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म को ध्यान से भरें, क्योंकि बोला गया इसमें किसी भी तरह का बदलाव बाद में नहीं होगा। और बोला गया कि आवेदन का जो शुल्क है वो 8 बजे रात्रि तक ही लिया जाएगा 7 जुलाई 2021 को। धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।